तू पीछे जा। गोवंडी के सलम इलाके में टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट बहुत है लोगों में पर तवज्जो की जरूरत है। आइए आज हम मिलते हैं सानिया मिस्त्री से, जो गली गर्ल्स के नाम से जाना जाती है, जो रैप पर है और गाने भी खुद लिखती है और गाती भी खुद है। तो इनसे इनके सफर के बारे में पूछते हैं। सानिया जी, बताएंगे आप कि कैसे आपने शुरुआत करी थी, क्या हुआ था? शुरुआत मैंने अपनी लिखावट अपनी डायरी में लिखी थी और मैं जो भी लिखती थी मैं अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी, तो उन्होंने मुझे रैप के बारे में बताया, उन्होंने जानकारी दी, तो मैंने किया रैप, मैंने लिखा और उन्हें पहली बार सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि जारी रखा जाए। ये सब एक चैलेंज के ज़रिए स्टार्ट हुआ कि उन्होंने चैलेंज दिया, अगर तुझे इतना आसान लगता है रैप लिखना तो तू क्यों नहीं लिख के दिखाती। तो मैंने उन्हें लिख के सुनाया, उन्हें अच्छा लगा, तो तब से मैंने जारी रखा। इसमें घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? शुरुआत में तो मैं थोड़ा हिचकिचाई बताने के लिए, मुझे लगा कि मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे, मगर सबसे पहले जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी ने मुझे दबाने के बावजूद उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, कहा कि अगर तू सीधे रास्ते पर जा रही है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, इसमें मम्मी पापा से ज़्यादा कौन आपके ऊपर इस चीज़ में साथ दिया? सबसे ज़्यादा शुरुआत से मम्मी ने ही साथ दिए, क्योंकि एक लड़की को आज़ादाना करना आज के माहौल में नहीं है, तो इस वजह से आपके घर का मतलब शुरू में जब आपने बताया कि रैप ये सब कहे चीज़ें ऐसी है, तो घर वालों को भी इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रही होगी। हाँ। तो फिर आपने कैसे उनको मतलब दिखाया, मैनेज किया, एग्री किए? मैंने सबसे पहले अपनी एक दी को बताया था, नसरिन दी, जो जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो उन्होंने अम्मी को बताया कि रैप करती है और ऐसा ऐसा है, तो अम्मी को जब पूरी बात समझाई कि रैप होता क्या है और मैं किस तरीके से रैप कर रही हूँ, तो अम्मी को भी सुनाया मैंने रैप, तो अम्मी को पसंद आया, तो अम्मी ने बोले ठीक है अगर तुझे ठीक लग रहा है तो कर, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। कलर्स का रियलिटी शो हुनरबाज में भी आप पहुँच चुकी हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इस सफ़र से भी, पहली बार मैं टीवी पर परफॉर्म किया, मैंने बहुत अच्छा लगा और देखते हैं आगे क्या होता है, मेहनत तो जारी है फिलहाल। अच्छा, अभी आपने कुछ ग्रुप का टीम बनाई है, ग्रुप के प्रोडक्शन कुछ नाम वगैरह रखा है क्या? हमारा एक ग्रुप है छोटा सा जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियोस और रैप रिकॉर्डिंग हो, तो RJ प्रोडक्शन नाम है जिसमें हम 5 लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो पांचों के नाम बताएंगे? मैं हूँ, नसरिन दी है, सूरज भाई, मोहसिन भाई, फकरू भाई, हम लोग ये सारे इन वीडियोस में हम सबका दिमाग होता है पीछे के स्टोरी कैसी होनी चाहिए और कैसे लोगों को सामने पेश करना है वो। अच्छा, ये लिखने का अंदाज कब से आपने शुरू किया लिखने का अंदाज तो 6 से ही था, तब मैं पोयम लिखती थी, शायरी, गज़लें वगैरह वो सारी चीज़ें जारी थी, मगर वो सिर्फ एक हॉबी जैसा था, और जब मैंने रैप को जाना 8th में तब से मैंने स्टार्ट किया और मैंने सोच लिया था कि मुझे अब सीखना है कि रैप सही तरीके से कैसे करते हैं, तो मैंने रैप किया। अभी नौजवान लड़कियों को जो आपकी उम्र की होंगी उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं? यही कि पाबंदियाँ हर जगह पे होती है और हर किसी के घर में होती है, कहीं ना कहीं से तो होती है, लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, मुझे भी तो डर था कि मेरे घर वाले मुझे दबा देंगे, लेकिन मैंने जब मेरी मम्मी को बताया तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं अपना सपना पूरा नहीं करूँगी तो बड़ी होकर कहीं ना कहीं मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मैंने जो चाहा वो मैंने नहीं किया, तो ऐसा कोई गिल्ट ना रहे। तो खुद के फैसले अगर आप लेते हो तो शुरुआत उसकी करना स्टार्ट करो, ना कि उससे डर के पीछे हटना। अच्छा, आपका एक सॉन्ग है सोच, जरा उसके 2 पंक्ति गा के बताएंगे? सच सच सच
शुरुआत होती है 15-16 साल से, जहन उछल रहा नए नए ख्याल से, शरारतें छुटी जो पहले जितने साल में, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, कई सारे सवाल है, बदल के फैसले, नज़रिए है बदल रहे, है आरजू की ज़िंदगी सफल रहे, है कश्मकश में तो कहीं संभल रहे, थे जज्बात दिल में वो पंक्तियों में पल रहे, नई हर बात और हर बात की है दो शक्ल, सच्चाई अच्छाई से ज़्यादा चलती है अकल, काबिलियत ना देखे पूछते हैं नंबरों से, पैसों से नौकरी है ज़्यादा अब न डिग्रियों से। ये थी सानिया मिस्त्री, जो गली गर्ल्स के नाम से जानी जाती है। न्यूज़ फ्लैश के लिए हैरी के साथ शाहिद खान।